ओलंपिक्स ट्वेंटी 2020। आपको और देश के युवाओं का जोश देखकर ये कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जीतना ही न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी और अभी तो ये शुरुआत है आप टोक्यो जाकर जब देश का परचम लहराएंगे तो उसी पूरी दुनिया देखेगी हां ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा चीयर फॉर इंडिया मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे नए मुकाम हासिल करेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद no इज नो डाउट द इंडियन competing in इन द टोक्यो Games गेम्स विल ड्रॉ from फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पेशली हिज एडवाइस टू एक्सप्रेस विदाउट फीलिंग एनी प्रेशर Hopefully, ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू ब्रिंग their ए गेम at the most important times over the next few days and establish themselves as india's heroes let's summon the heroes all over again the best athletes in the world are in the japanese capital and many indians are heading there as well with me in the studio to discuss india's olympic prospects is special guest s kanan vastly experienced journalist who has been to many an olympic games kanan thank you very much for your time thank you very much while it is not very fair to Identify anybody as a definite medal prospect. I think it's only fair that we share with listeners what your vision is of who can win medals, which are the sports in which India will start favorites. I think the most uh, difficult question which every Indian sports lover will want to answer. We want India to win as many medals as possible, but we also know that it is not easy there on that day. A lot matters. I think uh, there are certain sport where it looks very clear cut, at least on paper, and uh, probably. द वे वी वीड नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा का नाम मैं पहला लेना चाहूंगा और जो प्रदर्शन उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है मैं समझता हूं कि नीरज चोपड़ा नंबर वन होंगे। आप सहमत हैं आपका जवाब तो मैं जरूर दूंगा कनन, लेकिन उससे पहले हम नीरज चोपड़ा की बात सुन लेते हैं कंपटीशन जिस दिन होता है शरीर एक जो मेरा ट्रेनिंग में होता है और जो कंपटीशन में होता है वो एक अलग ही लेवल का मुझे खुद फील होता है तो उसके लिए मैं कोई स्पेशल कोई चीज नहीं करता हूँ कि मुझे कंपटीशन खेलने से पहले ये खाना है ये करना है मैं बहुत ज्यादा इस चीज में काम नहीं करता हूँ

जो मेरी पहली चॉइस है मेडल की पहला ही दिन मैं उम्मीद करता हूँ पूरा बैग में इंजुरी हो गया तो इसके बाद में फोर मंथस रिहेव किया था मुंबई में तो अच्छा हो गया अभी बैक का मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है बैक बिल्कुल मेरा रिकवर हो गया है इम्प्रूवमेंट तो काफी हुआ है वो जो एक्सरसाइज कराते हैं ना वो अलग तरीका से कराते हैं ऐसा मानो एग्जांपल मेरा शोल्डर में पेन है या बैक में पेन है तो सिर्फ इसी को नहीं दिखती वो अलग अलग पार्ट में वो एक्सरसाइज कराती है तो इसकी वजह से मुझे जब बहुत ही फायदा मिला है ट्रेनिंग करने समय ऐसे आज हैवी लेती हूँ तो कल मैं इतना ट्रेनिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि टाइट नेट ज्यादा हो जाती है तो इसके साथ ट्रेनिंग करने से मुझे जब भी फील होते या कुछ भी होते तो मैं तुरंत पास एक्सरसाइज करने को मिलते हैं तो इसके लिए मुझे उसके साथ ट्रेनिंग करना बहुत ही फायदा मिलते हैं और अच्छा इम्प्रूव भी होते हैं एक तपस्या है मेरा भाई दो हजार सोलह में शुरू होके दो हजार इक्कीस तक पहुंच गया बहुत, बहुत रोई वो वापस घर नहीं गई वो वापस कैंप गई कैंप में ट्रेनिंग करी उसके बाद थोड़ा बहुत दिक्कत है उनको झेलना पड़ा कि आज की डेट में जब वो यूएस गई हैं वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन क्योंकि इंडिया में अभी भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है कोरोना को लेके अपने एक uh, 2016 और 2021 का जिक्र किया है इसी बात को लेके विनेश फोकट से बात हुई और विनेश फोकट ने क्या कहा कि उनके अंदर क्या बदलाव आया है दो में और दो में लेट लिसन टू से काफी चेंज आए हैं पहले मैं इमोशनली बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती थी अगर कुछ भी थोड़ा सा उंगली में भी इंजरी हो गई तो कि वही ना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है मुझे इतनी इंजरी क्यों होती है अभी अगर मैं हार भी जाती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ कि हार इसलिए रही क्योंकि तो मेरे अंदर कमियां है मेरे को सुधार करना उसमें पहले मैं सोचती थी कि मैं हार कैसे सकती हूँ वो हार को मैं लेती नहीं थी जल्दी से अभी मैं जल्दी से मुव ऑन कर जाती हूँ चीजों के लेके हाँ की हार गए कोई नहीं अभी मेहनत करके फिर से जीतना है फोकस उधर मैट पे रखती हूँ तो वो काफी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है तीन चार साल में खुद में मैं भी शायद काफी पहले से। पहले इतनी नहीं थी चीजों को कंट्रोल करना या सिचुएशन को करना कि अभी कुछ भी जैसे आ गया तो शायद मैं पहले नहीं कर पाती थी स्मूथली हैंडल जितना मैंने लास्ट ईयर किया तीन चार साल में वो काफी मैं सीखी हूँ रियो के बाद मैं काफी चीजें सीखी हूँ सर ऐसा नहीं है लॉट ऑफ पीपल होपिंग hopefully she will make amends this time and uh, as world number one she will go on to win a medal and make herself proud if there is any one athlete who deserves it along with Mirabai Chanu it has to be Vinesh Phogat uh, let's move to shooting Kanan. who's your first choice for a medal in shooting I think my first choice will be Rahi Sarnobat and I'm saying this because of her recent performance in the world cup she won a gold medal again a girl who had covid record very fast but I also will not reel out Manu Bakar पूरा देश जानता है मनु बाकर कौन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की तीन स्पर्धा में भाग लेंगी और मैं समझता हूं कि जो मिक्सड इवेंट है टेन मीटर पिस्टल में सौरभ चौधरी के साथ उनके ऊपर आप जरूर बोल सकते हैं कि ये मेडल लाएंगे और वो हो सकता है गोल्ड और ये उनका फेडरेशन ने भी एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है इसको आप रिस्क समझें क्या इसको देखिए कॉन्फिडेंस जितना है कि उसको तीन इवेंट में डाल रहे हैं इन ओलंपिक्स में आज तक कभी पहले ऐसे नहीं हुआ चलिए सुनते हैं पहले मनु बाकर ने क्या कहा अपने चांसेस के बारे में हाँ मुझे लगता है कि ये मुमकिन है और अगर और भी ज्यादा मेहनत करी गई तो बहुत आसानी से हो सकता है ये तो थी मनु की बात अब चलते हैं राही सरनोबत की ओर और, और सुनते हैं वो क्या कहती है I want some pressure on me because what my experience says is, uh, is that. I perform much better under pressure. With no pressure, I really cannot perform because I really like that feeling of responsibility, feeling of expectations, and feeling of you know fulfilling all those. The expectations are not I think come from people around you; they come from ourselves also. As an athlete, we do have some expectations from ourselves. So I really uh, enjoy being under pressure because that is how I can bring out the best in me but uh, when it comes to competition there is nothing in our mind like past performances or medals we just focus on that day that moment on technicalities and on maybe on results sometimes but that is that's it i mean past performances i think at least to me they never bother during competitions it will also be interesting kanan to listen to what um, somebody who's was shooting for a long time has been an amazing shooter, uh, Jaspal Rana I am speaking about uh, the pistol coach. What he has to say to us about the chances of the Indian team. Last uh, one year, we have seen that you know everything is a little uh, was a little off for everyone. You the security, the government tried their level best, and we got out of the country and we had like you know last World Cup in Delhi itself. So the preparation are uh, like little uh, difficult for everyone, but I think it's for the entire world. And I think we are doing quite well because we are little in advance of uh, getting out of the country and started shooting matches like World Cup. I hope that we'll come back with a couple of medals. Let's move from shooting, Kanan. Do you spot any medals, uh, any hopefuls uh, beyond shooting? It's very difficult to say beyond shooting or before shooting. I think uh, there's still a dark horse we need to wait. Sanya Mirza is going to go with the. Her partner women's doubles, but we are waiting if at the last minute Rohan Bopana and David Siran are able to make the cut because a lot of players are pulling out. And if they pull out, Sanya and Rohan Bopana. They are a very romantic relic couple of the Olympics. In they missed a chance, lost a bronze medal match in Rio. Last shot it will be for both. And Sanya has been there in 2008, 12, 16. Now again in 2020, Tokyo 2021. Mother and still fighting, she wants to win it for India. And I think after Leander, if we get one more tennis medal, it's Sanya and Rohan who really deserve it. I thought uh, you would pick PV Sindhu as uh, one of your favorites beyond both the weightlifters, the boxers. Well, I thought PV Sindhu is a foregone conclusion that she's going to win gold now because Carolina Marin has pulled out. Let's listen to what she has to say about Carolina Marin's pullout. Well, I don't think so because you know I must say I think in the women's circuit top one to ten are of same standard. So uh, you know you can't take it easy if you know one player is out because of the injury. Uh, if you see back, then you know you zooing Ratchanok, and uh, all. So, Okuhara, Yamaguchi, and Anseong. So, there are a couple of really, really good players. So, you know, you can't take it easy, and you can't say that, you know, since one player isn't there, then it might be easy. I don't think because everybody, you know, would be preparing for the Olympics and everybody would want to give their 100% and will be in their full form. So, I think from my side, I have to keep working hard. I can't relax or take it easy. But for me, yes, it is one step at a time, and I need to just be focused and give my best. Do you have any favorites in boxing, Kanan? Personally, I would pick. लवलीना uh, बोर्गेन a boxer she would have been a favorite of mine had she not got covid some time ago i think she has recovered well and uh, she should be a dark horse for a medal amit pangal is another one that comes to mind mericom of course she will always be a perennial favorite for a medal every time she gets in who do you think will pick up a medal for india i think mericom has the experience i know that experience counts multiple world championships she's already holding a olympic medal so she's not going to be you know afraid and she missed 2016 but you mentioned two names very prominent names Lavlina Borgen and of course Amit Pongal. They're very hungry. They're very hungry and in the Olympics, the hunger counts. And I think uh, if they can pull off medals, well, I will not be surprised. Let's listen to Lavlina and what she has to say about her chances. bronze. <laughs> तो कुछ ऐसा हो रहा है कि हर कंपटीशन में ब्रॉन्ज में रुकना पड़ रहा है तो ये पोस्टपोन हो गया हमारा ओलंपिक तो फिर मुझे अभी इससे खुशी हो रहा है कि मैं ब्रॉन्ज से ऊपर जा सकूं और खुद का परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई अभी तक नहीं हूं और आगे ओलंपिक में शायद मैं अच्छा कर सकूं ओलंपिक गेम्स में अच्छा करने का बुक आई थिंक यू स्पोक अबाउट हंगर अगो एंड स्पीकिंग अबाउट हंगर टू डू वेल इन द ओलंपिक गेम देर इज वन एथलीट आई थिंक ऑल ऑफ इंडिया हैज बैक फॉर मेनी इयर्स

टोक्यो में शायद हवा उतनी नहीं होगी ह्यूमिडिटी हाई होगी गर्मी ज्यादा होगी बट दीपिका कुमारी डॉर्क हॉर्स नहीं है कई दिनों से दीपिका कुमारी मेंटल ट्रेनर के साथ काम कर रही है उन्होंने कई सारी बातें कही कि शी इज एबल टू ट्रेन हर थॉट स्पेसिफिकली एंड शी इज एबल टू द क्लटर आउट ऑफ हर माइंड लेट्स इन द ओल्पिक गेम्स एक्चुअली टेंशन दूर नहीं हुई टेंशन बढ़ गई है क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद अभी ओलंपिक जो मेन जिसके लिए हमने क्वालिफाई किया है तो वो बाकी है सभी उसके लिए प्रिपरेशन करना है I think any discussion on medal prospects uh, will be incomplete Karan if we don't touch upon India's favorite sport hockey. What do you think about the men's side? I know the women will be very lucky to get into the semi-final What about the men? What are the chances? I think uh, they work very hard, and they know that what the expectation is. They know that the whole nation has been talking about the history of Indian hockey from Dhyan Chand to the late Balbir, and uh, we've seen that after uh, Moscow, we haven't won a medal. बहुत पैसा खर्च होता है हॉकी टीमों पे बाहर से ट्रेनर बुलाए जाते हैं बाहर से कोचेस बुलाए जाते हैं जो स्पोर्ट हम कहते थे कि भारत का स्पोर्ट है अब वो भारत का स्पोर्ट नहीं है मेडल लाना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ कि अच्छा अवसर है वी कैन ओनली होप दैट दिस इंडियन साइड हैज गॉट द बैंड विद प्रिपेयर वेल दैट दे आर एबल टू शोक इन द प्रेशर आई थिंक द की रियली इन द ओल्पिक गेम्स इज एबिलिटी टू शोक इन द प्रेशर द गु थिंग इज इंडिया है लास्ट मोमेंट पहले तो ये होता था कि हम लास्ट में हार जाते थे नाउ दिस टीम स्टार्टेड विनिंग मैचेस दे आर एबल टू टर्न हैराउंड आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट दे जस्ट हैव टू कैरी इट इन टू द ओलंपिक गेम्स नॉट फील दैट दे आर प्लेइंग अ बिग टूर्नामेंट जस्ट रीट इट लाइक टूर्नामेंट आई थिंक देन इंडियन हॉकी कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज एंड कम बैक होम विद अ मेडल आफ्टर 41 इयर्स डेफिनेटली आई थिंक यू नो यू आर प्लेइंग Tough nations, and you are not getting intimidated. As I mentioned earlier also in a few programs, these players are physically strong. They may not be six feet three inches or anything like that, but they are mentally strong, they're physically strong. Speed and endurance, these are two different words. And in Tokyo, speed and endurance is going to matter because of high humidity. And Manpreet has talked about how it is going to be in the afternoon, and they're going to play in the afternoon. If they can cope with the heat, and I think which they will, then there's no reason why they should not be among the medal. I would be happy even if you win a bronze because you would have broken.

हमारे देश में ये अभी तक जो पहले से फर्क पड़ा पर ये ज्यादा है कि भाई लोग कंपटीशन कॉम्पिटिशन आ जाता है पास में तो सब बोलते हैं कि भाई मेडल चाहिए मेडल चाहिए जब हमारे छोटे खिलाड़ी हैं उनको जब सुविधाएं मिलने लग जाएंगे ये नहीं देखना पड़ेगा भाई हम ओलंपिक में एक मेडल जीत सकते हैं दो जीत सकते हैं फिर हम भी मेडल टैली में जैसे यूएसए है चाइना है उनकी तरह हम आगे आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है और मेरा भी यही है कि भाई हर आदमी का होता है कि मेडल जीतूं पर मैं कभी प्रेशर लेता नहीं मुझे पता है मेरे से ज्यादा दुख अगर मैं मेडल नहीं लेता तो किसी को नहीं होता खिलाड़ी से पूछिए उसका दर्द कितना है क्योंकि उसने बचपन से उस चीज के लिए तैयारी की है सामने वाला भी ट्रेनिंग करके आता है कोई हारने के लिए नहीं आता वो कोई भी खिलाड़ी है सब जीतने के लिए ही आते हैं कि भाई हम जीत के आएंगे तो ये चीजें और खिलाड़ियों में पहले से काफी सुधार हुआ बस और हमें ग्रास रूट में जो सुविधाएं हैं वो हमें और बढ़ानी पड़ेंगी ओलंपिक जो मेडल टैली होती है उसमें हमें भी हमारा देश जो है वो एक नंबर पे दो नंबर पे टॉप टेन में आए टॉप फाइव में आए हम भी यही चाहते हैं देखिए बजरंग ने अपने दिल से बात करी है बजरंग केवल ये नहीं कि अपने लिए मेडल चाहते हैं ही वॉन्ट टू सी इंडिया इन इन द टॉप मेडल टैली बहुत अच्छा सोच है और मैं समझता हूँ कि एक खिलाड़ी बोल रहा है तो दिल से बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर स्पोर्ट में क्या हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगेन बजरंग जो है बजरंग बली के भक्त है और अगर मेडल जीत जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि रेसलिंग में दोबारा वही पावा करो आई थिंक इट्स इज आइडेंटिटी हम बहुत जजबाती लोग हैं कनन देश में हम चाहते हैं कि हम मेडल काउंट करें और फिर हर खिलाड़ी जो हमारा जाता है वो मेडल ले आए भारत के लिए आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल नोट टू एंड द थ्री पार्ट प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो Summon the Heroes has been a great experience along with producer Praveen Chand and my friend S. Kannan. I thank you for listening in, but this is not the end, this is just the beginning. All India Radio will bring you highlights every day from July 23rd on the Olympic Games 2020 in Tokyo. Yet, while we wait for the opening ceremony and the competitions to begin, it is only fair that we return to India's only individual gold medalist. For the last word, this is Abhinav Bindra, and I just uh, like to share a few of my thoughts on on the upcoming Tokyo Olympic Games 2020, which of course is being held a year later. This uh, could be a very historic games for India. Uh, I really am looking forward, of course, uh, from the performances uh, of our young uh, shooting athletes. Of course, that is my sport, so always excited to to follow that sport. We have we have a very young team. Uh, going into the games, and uh, young athletes are athletes who represent almost the confidence of a new India because uh, these athletes uh, have a lot of self belief uh, in them that they can go all the way and they can go and win gold medals. So, of course, lots to look forward uh, from our shooting contingent, but also lots to look forward uh, from several other sports. Uh, for example, women's weightlifting, uh, an event which is pretty early on. Uh, during the games, so we have a very good prospect there. Uh, we have, of course, our wrestlers who've done well in the past and also look uh, forward to them doing well. Of course, we have badminton, which has performed uh, exceptionally well over the last years. Um, for the first time, we have uh, representation in the sport of fencing. Uh, we have first time in our history a woman sailor competing at the Games. All in all, I'd uh, just implore all of you to follow the Games, uh, to cheer for our athletes. Of course, uh, the Games are being held without any spectators, but follow them, be there in spirit for them, send them all the positivity that you possibly can. And uh, I'm sure that uh, this will be a very encouraging Games and a start of a new sporting era in our country. so really looking forward to the next couple of weeks and uh, also would like to finally use this opportunity to wish all our athletes competing in Tokyo all the very very best Tokyo Olympics 2020. This program was produced by Prabin Chand.